नमस्कार, मैं हूं नेहा साहिन। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगे श्रद्धालु। ठेकुआ और लडुआ का विशेष प्रसाद। 5:26 में होगा सूर्यास्त। NMMS 2025 का आवेदन शुरू। आवेदन की अंतिम तिथि 1 दिसंबर 2024। छात्रों को मिलता है 12,000 वार्षिक स्कॉलरशिप। बिजली खपत की जानकारी नहीं मिल रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे करें समाधान। इन चार तरीकों से कर सकते हैं पेमेंट। बिहार में गन्ना यांत्रिकरण योजना शुरू। किसानों को मिलेगा 60% तक का अनुदान। पैक्स जीविका समूह को भी मिलेगा लाभ। आज पंचतत्व में विलीन होगी शारदा सिन्हा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई। पटना के गुलाबी घाट पर होगा अंतिम संस्कार। मनोज वाजपेयी की फिल्म शूल के 25 साल पूरे। मनोज वाजपेयी ने खास अंदाज में मनाया जश्न। फिल्म की टीम के तारीफों के बांधे फूल। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना क्या है, इसके नियम क्या है, किसे नहीं मिलता लाभ, बताएंगे इस योजना की क्या है नियम। महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन गेहूं के आटे से ठेकुआ और चावल के आटे से लड्डू बनाकर साथ में अन्य तरह के फल फूल सजाकर भगवान भास्कर को अर्पित करते हैं। छठ महापर्व का पहला अर्घ अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है। आज सूर्यास्त का समय 5:26 है। व्रती सूर्यास्त पर सूर्य को अर्घ देंगे। अर्घ देने के लिए एक लोटे में जल, कच्चा दूध, लाल चंदन, चावल और लाल फूल डालकर सूर्य की ओर मुख करके उन्हें अर्पित किया जाता है। ये पूजा आंखों की ज्योति, लंबी उम्र और आर्थिक समृद्धि का कारण बनती है। साथ ही विद्यार्थियों को शिक्षा में लाभ भी मिलता है। इस समय में सूर्य की पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए ये अच्छी खबर है। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे यानी NFR ने अप्रेंटिसशिप के कुल 5,647 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया बीते 4 नवंबर 2024 से शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख है 3 दिसंबर 2024। इस भर्ती में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं 12वीं ITI NTC ST उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा उम्मीदवार की उम्र 14 साल से कम और 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उम्र की गणना 3 दिसंबर 2024 के आधार पर की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार NFR की ऑफिशियल वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक होने वाले एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप के मद्देनजर जिला न्यायाधीश शशांक शुभंकर ने खेल परिसर को नो फ्लाइंग जोन घोषित करते हुए ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस आदेश के अनुसार खेल परिसर को ड्रोन नियम 2021 के तहत रेड जोन घोषित किया गया है और यहाँ किसी भी प्रकार के मानव रहित हवाई वाहन के संचालन की अनुमति नहीं होगी। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिबंध 11 नवंबर सुबह 5 बजे से 20 नवंबर रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार पर्यटन में आज बात होगी सूर्य मंदिर की, जो राजधानी पटना से 85 किलोमीटर दूर नालंदा के बड़गांव में स्थित है। ये देश का पहला मंदिर है जहां भगवान सूर्य अपने भाई कर्क नारायण और माता आदि शक्ति सविता के साथ विराजमान है। ये मंदिर द्वापर युग का है जिसे भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने बनवाया था। यहाँ छठ के दौरान काफी भीड़ उमड़ती है। कुछ श्रद्धालु यहाँ छठ करने आते हैं और साड़ी धोती से बने तंबू में 4 दिन तक रहने के लिए अस्थायी रूप से डेरा डाल लेते हैं। यह एक अनोखा कुंड है जिसमें 7 तालाब और 7 कुएं हैं और ये दावा किया जाता है कि कुंड में स्नान करने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं, विशेष रूप से कुष्ठ रोग और चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। बिहार नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया जो है बीते 6 नवंबर 2024 से शुरू हो गई है। इच्छुक छात्र या उनके अभिभावक राज्य SCERT की आधिकारिक वेबसाइट, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 1 दिसंबर 2024 है। आवेदन करने वाले छात्र को 2024-25 शैक्षिक वर्ष में बिहार के किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या सहकारी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ाई करना आवश्यक है। वही पिछले वर्ष कक्षा 7 में छात्र को सामान्य श्रेणी में कम से कम 55% अंक और SC ST छात्रों के लिए कम से कम 50% अंक होना चाहिए। छात्र के माता पिता के कुल वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस स्कॉलरशिप के तहत चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC पर अब टीकाकरण सप्ताह में 3 दिन लगेगा। अब सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जाकर टीका लगवाया जा सकता है। बता दें कि केंद्र पर BCG, हेपेटाइटिस बी, OPV, पेंटावैलेंट, IPV, रोटा वायरस, PCV, MR, JE, DPT, TD ये सभी टीके जो हैं केंद्र पर उपलब्ध हैं। अपना टीकाकरण कार्ड संभाल कर रखें और जब भी बच्चे को टीकाकरण के लिए जाएं तो ये कार्ड साथ में जरूर लेकर जाएं। ये जानकारी IPRD के जरिए दी गई है। राज्य के विश्वविद्यालय में इस बार 3,487 करोड़ रुपए का विकास मद आवंटित किया गया है, लेकिन कई विश्वविद्यालयों में इसे खर्च करने की गति बेहद धीमी रही है। शिक्षा विभाग ने कुलसचिवों को चेतावनी दी है कि अगर वित्तीय वर्ष के अंत तक ये राशि खर्च नहीं की गई तो कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल 1,250 करोड़ रुपए की राशि सरेंडर की गई थी। पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों में ये राशि खर्च नहीं हो पाई है। विभाग का मानना है कि वित्तीय प्रबंधन की कमी के कारण ये स्थिति बनी है और चेतावनी दी है कि यदि राशि खर्च नहीं की गई तो अगले वित्तीय वर्ष में बजट में कटौती की जा सकती है। स्मार्ट मीटर का सर्वर ठप पड़े रहने से बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप पिछले 8 दिनों से नहीं खुल रहा है। अधिकांश बिजली उपभोक्ता जो है बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप से रिचार्ज करते हैं, जिसके कारण बड़ी समस्या आ गई है। बिजली खपत की जानकारी उपभोक्ताओं को किसी ऐप पर नहीं मिल पा रही है। तो बता दें, ऐसे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिहार बिजली स्मार्ट मीटर का रिचार्ज अब आप बिजली कंपनी के बिल जमा काउंटर, साउथ बिहार की वेबसाइट या सुविधा ऐप से आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा निजी एजेंसी ऑरेंज पे से भी रिचार्ज की सुविधा उपलब्ध है। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर बीते दिन पटना एयरपोर्ट पहुंचा, जहां पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी और अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ये घोषणा की कि उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। बता दें, आज सुबह 8 बजे गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ शारदा सिन्हा को अंतिम विदाई दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार शाम शारदा सिन्हा के राजेंद्र नगर स्थित घर पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिहार में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक 341 खिलाड़ियों को नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। बता दें कि योजना के तहत नौकरी पाने के लिए खिलाड़ियों को बिहार सरकारी सेवक नियमावली 2005 और 2015 की शर्तों का पालन करना जरूरी होता है। इसके अलावा अगर खिलाड़ी की उम्र 18 साल से कम है या वे खेल कोटा की शर्तों का पालन नहीं करता तो उसे नौकरी नहीं मिलेगी। खिलाड़ियों को नियुक्ति के 5 साल तक एक्टिव रूप से खेलों में हिस्सा लेने का बॉन्ड पर भी साइन करना होता है, जिसका उल्लंघन करने पर नौकरी का अधिकार समाप्त हो जाएगा। बिहार के उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस विलय को मंजूरी दी है। इस विलय के बाद बनने वाला बिहार राज्य ग्रामीण बैंक बिहार का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक बन जाएगा। खास बात यह है कि ये बैंक राज्य के सभी 38 जिलों में अपनी शाखाओं के माध्यम से सेवाएं देगा, जिससे ग्रामीण इलाकों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच और बढ़ जाएगी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा प्रायोजित है, और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, जो पंजाब नेशनल बैंक द्वारा प्रायोजित है, अब एक साथ आकर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नई राह दिखाएंगे। इस विलय के बाद बैंक का प्रधान कार्यालय जो है पटना में रहेगा, जो राज्य के केंद्र में स्थित होगा। राज्य सरकार ने बालू, गिट्टी और मिट्टी के अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब इन लघु खनिजों के परिवहन में गाड़ियों की मॉनिटरिंग और ई चलान प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसके तहत 5 अलग-अलग श्रेणियों में ई चलान जारी होंगे, जो किलोमीटर के हिसाब से अलग अलग होंगे। ये ई चलान श्रेणियां 0 से 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर, 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 100 किलोमीटर और 100 से 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए जारी की जाएंगी। बता दें कि इस कदम से अवैध खनन पर रोक लगेगी।
बिहारी बर्थडे में आज बात होगी इंदु सोनाली की, जिन्होंने भोजपुरी संगीत जगत में अपनी खास पहचान बनाई है। इनका जन्म 7 नवंबर 1978 को आज के दिन बिहार के भागलपुर में हुआ। उन्होंने भोजपुरी फिल्म पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई में पार्श्व गायिका के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की। उन्होंने अब तक 300 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में पार्श्व गायिका के रूप में अपना योगदान दिया। 50 संगीत वीडियो एल्बमों के लिए उन्होंने गाना गाया है। लहरिया लुटा ए राजा, कहाँ जेबर राजा, नजरिया लड़ाके, देवर हो, दावा न मोर करहैया जैसे हिट गाने गाए हैं। उनके गाने हर उम्र के लोगों में खूब पसंद किए जाते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के गन्ना किसानों के लिए गन्ना यांत्रीकरण योजना शुरू की है, जिसके तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50-60% तक अनुदान मिलेगा। किसान समूह को 70% तक या अधिकतम 90 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य गन्ना खेती के परंपरागत तरीकों में सुधार और आधुनिक यंत्रों का उपयोग बढ़ाना है, जिनमें गन्ने की कटाई, बीज उपचार और जूस निकालने के लिए यांत्रिक उपकरण शामिल है। वही सुगर केन हार्वेस्टर जैसे महंगे यंत्रों की खरीद पर किसानों को ये अनुदान मिलेगा। पैक्स और जीविका समूहों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने जमीन से संबंधित दस्तावेजों की प्राप्ति प्रक्रिया को और भी सरल और तेज बना दिया है। अब कोई भी रैयत ऑनलाइन आवेदन करके अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेज की सत्यापित प्रति जो है सिर्फ 72 घंटों में प्राप्त कर सकता है। ये सुविधा खास तौर पर उन दस्तावेजों के लिए लागू की गई है जिनमें जमाबंदी पंजी, खतियान, बंदोबस्त पंजी, दाखिल खारिज और म्यूनिसिपल नक्शे जैसे राजस्व दस्तावेज शामिल है। इतना ही नहीं, इन दस्तावेजों की वेरीफाइड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाएगी जो पहले से कहीं अधिक सटीक और प्रमाणिक होगी। 7 वरिष्ठ अधिकारियों को ये काम सौंपा गया है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने अपनी फिल्म शूल के 25 साल पूरे होने पर एक बेहद खास पोस्ट साझा किया है। इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म की यात्रा को शुद्ध जुनून, धैर्य और अटूट विश्वास से जोड़ते हुए अपनी टीम और निर्देशक राम गोपाल वर्मा के साथ काम करने का अनुभव साझा किया। मनोज बाजपेयी ने अपने इंस्टाग्राम पर 1999 में रिलीज हुई इस एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म की कुछ खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें अभिनेत्री रवीना टंडन और निर्देशक राम गोपाल वर्मा भी दिखाई दे रहे हैं। मनोज ने लिखा कि शूल की ये यात्रा उनके लिए एक प्रेरणा से कम नहीं थी और ये फिल्म आज भी पीढ़ियों तक गुजरी। भारत में हाई बीम का इस्तेमाल गैर कानूनी होता है, क्योंकि इससे सामने आ रहे वाहनों के ड्राइवर की आंखों में तेज रोशनी पड़ जाती है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, जो 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक हो सकता है। अगर कोई वाहन चालक हाई बीम पर गाड़ी चला रहा हो तो आप इसकी शिकायत नज़दीकी ट्रैफिक पुलिस या हेल्पलाइन नंबर 100 पर कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस बारे में सूचना दी जा सकती है, जहां आप गाड़ी का फोटो या नंबर भेज सकते हैं। आज यानी 7 और 8 नवंबर को पटना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में सुबह के समय धुंध का असर रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के 13 जिलों में सुबह के समय कोहरा रहेगा। इनमें प्रमुख जिले हैं पूर्णिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, दरभंगा, सुपौल, अररिया, शिवहर, वैशाली, सीतामढ़ी, किशनगंज, सिवान और लखीसराय। अगर हम बात करें तापमान की तो फिलहाल बिहार में अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से EWS का गलत प्रमाण पत्र जमा कर नौकरी पाने वाली 10 शिक्षिकाओं पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन सभी शिक्षिकाओं को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा। अगर 48 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो उनके खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन के आधार पर इन शिक्षिकाओं की नियुक्ति हुई थी, लेकिन आवेदन के समय EWS प्रमाण पत्र की गलत जानकारी दी गई थी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इन शिक्षिकाओं से जवाब तलब किया है और अगर विभाग जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई में इनसे रिकवरी भी ली जा सकती है। बिहार रेरा ने बिल्डरों के लिए नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत स्वीकृत नक्शे से इतर अतिरिक्त फ्लैट, दुकान, कार्यालय या अन्य संरचनाओं के निर्माण पर विशेष सरचार्ज लागू होगा। इस आदेश के तहत 20 अतिरिक्त निर्माण पर 2 लाख रुपए, 21 से 40 तक पर 4 लाख रुपए, 41 से 60 तक पर 6 लाख रुपए और 60 से अधिक पर 8 लाख रुपए का शुल्क भरना होगा। इसके अलावा निर्माण में किसी भी बदलाव के लिए परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले 2/3 आवंटियों का सहमति पत्र जरूरी होगा।
अल्लू अर्जुन के फैंस के लिए एक खुशखबरी है। बता दें कि पुष्पा 2 के प्रमोशन के लिए अल्लू अर्जुन 17 नवंबर को पटना आ रहे हैं, जहां वे गांधी मैदान में मेगा इवेंट में शामिल होंगे। इस इवेंट की शुरुआत शाम 6 बजे से होगी, जहां अल्लू अर्जुन अपने फैंस से 2 घंटे तक मिलकर उन्हें सरप्राइज देंगे। जानकारी के मुताबिक इस इवेंट में पुष्पा 2 के निर्देशक सुकुमार भी उपस्थित रहेंगे और उनकी टीम पटना के मोरिया होटल में ठहरेगी। हालांकि रश्मिका मंदाना, जो पुष्पा 2 में श्रीवल्ली के किरदार में नजर आई थी, उनका पटना आना अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। आईपीएल 2025 से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजी ने अपने रिटेन प्लेयर की लिस्ट जारी कर दी है और अब ऑक्शन के लिए नई अपडेट सामने आई है। इस बार आईपीएल के मेगा ऑक्शन का आयोजन सऊदी अरब के जिद्दा में होगा। ऑक्शन की तारीख 24 और 25 नवंबर तय की गई है। रजिस्ट्रेशन करने वाले प्लेयर्स की संख्या 1574 है। इसमें से 1165 भारतीय और 409 विदेशी खिलाड़ी शामिल हैं। इनमें से 320 खिलाड़ी कैप्ड हैं, जबकि 1224 खिलाड़ी अनकैप्ड है। इसके अलावा 30 खिलाड़ी सहयोगी देशों से रजिस्टर्ड हुए हैं। इस बार हर टीम के पास अधिकतम 204 खिलाड़ी अपने टीम में शामिल करने का मौका होगा। और कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1862 में मुगल संतलत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मौत हो गई थी। आज के दिन सन 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। आज के दिन सन 2006 में भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक फंड बनाने पर सहमत हुए थे। आज के दिन सन 2006 में भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए विकास के लिए फंड बनाने पर सहमत हुए थे। आज ही के दिन सन 2008 में बिहार के जेडीयू के लोकसभा सदस्यों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज ही के दिन सन 1862 में बहादुर शाह जफर का निधन हुआ था। वे मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया था और ऐसे में अगर आपके पास अभी भी 2000 के नोट हैं तो आप उसे जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको आरबीआई के ऑफिस जाना होगा। पूरे देश में आरबीआई के 19 ऑफिस हैं, जहां आप किसी भी कार्यालय में जाकर 2000 रुपए का नोट जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी 2000 रुपए के नोट जमा कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक लिंक साझा किया जा रहा है, जिसमें TRAI के एक लिंक के साथ एक मैसेज भेजी जा रही है और सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त मोबाइल रिचार्ज की पेशकश करने का दावा किया गया है। बता दें, TRAI कोई भी मुफ्त रिचार्ज प्रदान नहीं कर रहा है। सावधान रहें, ऐसे लिंक पर बिल्कुल ना क्लिक करें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस मैसेज को फर्जी करार दिया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए पांचों सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन ए है डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन बी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन सी है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी है जयंत चौधरी। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस जयशंकर। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यनीति और योजना का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन ए है चेतन राम मांझी, ऑप्शन बी है थावरचंद गहलोत, ऑप्शन सी है अनुप्रिया पटेल, ऑप्शन डी है कृति वर्धन सिंह। इसका सही उत्तर होगा कृति वर्धन सिंह। अमेरिका के कोलोराडो में अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 20। इसका सही उत्तर होगा 17। पटना के दीघा आर ब्लॉक 6 लेन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अटल पथ, ऑप्शन बी है कर्पूरी पथ, ऑप्शन सी है लोहिया पथ और ऑप्शन डी है माझी पथ। इसका सही उत्तर होगा अटल पथ। स्वर्गीय डॉक्टर सैबाल गुप्ता का संबंध था? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी है चिकित्सा, ऑप्शन सी है संविधानवेत्ता, ऑप्शन डी है अर्थव्यवस्था। इसका सही उत्तर होगा अर्थव्यवस्था। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रणव गुप्ता, पिंटू कुमार, विनय कुमार, उमेश ऋषिदेव, विवेक मिश्रा, ईश्वर धारी प्रसाद, विनय राज, राजीव कुमार, मोतीलाल कुमार, राजकिशोर महतो, राम सागर पासवान, रंजीत मिश्रा, कृष्णा प्रसाद, संजय कुमार शर्मा,
जितेंद्र ठाकुर, रोहित कुमार मंडल, प्रेम नाथ मिश्र, अंशु कुमारी, विद्यासागर, अनवर करीम खान, संजीव कुमार, राम बाबू दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आप सूर्य अर्घ देने कहां जा रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।